कौन बनेगा सुल्तान। तो कौन बनेगा सुल्तान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे तरीके से जो जनता का फैसला है वो सामने आ चुका है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 402 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इन पूरे रुझानों में। 288 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इस दौरान निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मात्र 28% वोट मिले हैं। 80 सीटों पर आकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दोस्ती थी, जो बता रहे थे बार बार खुद को लड़का, और बार बार वो खुद को कह रहे थे कि हाँ वो इस बार उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाएंगे, काम कराएंगे, और काम बोलता है कि विज्ञापन भी किए गए थे। लखनऊ से हमारे संवाददाता नसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम से बात करेंगे वहां के क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके के हालात लखनऊ विधानसभाओं के निकल कर आ रहे हैं। नसीम, अगर वहां की बात करें तो वहां की सीटों में, कितनी सीटों में बीजेपी को जीत मिलती है? देखिए नकुल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ की हार जीत सबसे ज्यादा अहम फैसला अपने अंदर रखती है। इस समय हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि इस समय इतना खुशी का माहौल है, शायद ऐसा माहौल आज से 10 साल की पत्रकारिता में मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि लखनऊ से भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीतती नजर आ रही है नकुल। और साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ के जो कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, पटाखे दगा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और तमाम भांगड़े और ढोल ताशे बज रहे हैं, जिससे अपनी जीत का इजहार किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज भी थे एक तरफ से कि समाजवादी की कई सीटें यहाँ निकल सकती थी, कई सीटें यहाँ पे समाजवादी की, पिछले बार 2012 में समाजवादी की सीटें थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा आंकड़े जो निकले, सबसे ज्यादा जो सीटें निकली हैं वो साफ तौर से बीजेपी की दिखाई दे रही हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस समय पार्टी कार्यालय बीजेपी से इतना खुशी का माहौल है जो हम बयां भी नहीं कर सकते। नसीम, अगर हम पूरे रुझानों को देखें और इनकी तह तक जाने की कोशिश करें तो एक मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब विकास की राजनीति होगी, अब बरगलाने की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता उब चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए नकुल, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी इलेक्शन हुआ है अभी तक के 10 या 15 साल के बीच, वो जातिवाद के रूप में हुआ है कि दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में तमाम पार्टियां इसमें विभाजित हो गई थी। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ है, 2017 का जो इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो विकास को लेकर हुआ है। वो सीधे उसमें अगर जीत का अगर सहरा बांधा जाए तो सबसे बड़ा सहरा उसमें बांधा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और दूसरा सहरा बांधा जाएगा अमित शाह को, जो चाणक्य के भी बीजेपी के कहलाए जाते हैं। इन्होंने जो अपनी पॉलिसी चली थी वो पॉलिसी में कामयाब नजर आए हैं साफ तौर से कहीं हद तक। नसीम इसमें जीत हासिल हुई है, ये जीत जो है वाकई काबिले तारीफ है। नसीम एक बार आपको रोकना चाहूंगा। नसीम, एक चीज और, इस जो जीत का श्रेय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, अमित शाह को दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को जाता है। अखिलेश यादव काम बोलता है कि विज्ञापन चला रहे थे, लेकिन उनकी पोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोली। इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि आइए मेट्रो का सफर करिए, आप एक्सप्रेसवे पर घूमिए, लेकिन वो सब कुछ नरेंद्र मोदी ने फेल साबित करके दिखाया। इसके बाद जो गधों वाली बात ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं उनकी छवि पर असर डाला है। जी बिल्कुल, देखिए माने देखा जाए तो विपक्ष, अब जैसे हम कह सकते हैं कि विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, ये लोगों ने हमेशा निशाना नरेंद्र मोदी पे साधा है। ये जानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बना ले गए तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की वहां पे सीटें कम है, इस बार राज्यसभा भी मजबूत हो जाएगी। कोई भी कानून अगर पास आता है तो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और सांसद से भी पास हो जाएगा। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जो श्रेय है इस समय बहुत ज्यादा आएगा,
कि विपक्ष ने पूरे हथकंडे अपना दिए थे, पूरे हथकंडे चल दिए थे, हर चाल वो चलती थी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पिछाड़ने के लिए, लेकिन जनता कहीं हद तक इनकी कोई बातों में नहीं आई और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करते हुए, बीजेपी पे भरोसा करते हुए एक तरफा वोट बैंक गया है, एक तरफा यानी एक तिहाई वोट बैंक जो है सीधे बीजेपी की तरफ गया है। इसलिए बीजेपी आज पूर्ण बहुमत से, और मेरा मेरा तो ये भी मानना है कि वो बहुमत से ज्यादा की सीटें उनसे आ गई रहेंगी और वो सरकार बना लिएगी। चलिए चलिए नसीम, आप नजर बनाए रखिए और हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें तो रुझान 402 सीटों के आ चुके हैं, 300 सीटों के आसपास बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इस दौरान करारा झटका लगा है। आपको बता दें 72 सीटों में जाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। काम बोलता है, जो विज्ञापन लगातार चलाए जा रहे हैं तो उन विज्ञापनों का भी फेलियर साबित हो रहा है। अखिलेश का जो गुणगान था एक्सप्रेसवे का, मेट्रो का जो गुणगान था, उसका भी फेलियर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो मुलायम सिंह यादव को दरकिनार करना अखिलेश यादव को यहां पर भारी पड़ा है। यादव समाज में मुलायम सिंह यादव को लेकर काफी उत्सुकता थी और काफी माना जाता था मुलायम सिंह यादव को, यादव समाज की तरफ से, और तमाम एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राजनीति करने के लिए मुलायम सिंह यादव को एक तरफ किया, अध्यक्ष भी खुद बन गए, उन्हें साइड में कर दिया गया, कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट देखने को मिला है। गठबंधन को लेकर जिस तरीके के कयासों की अगर हम बात करें, पहले कयास लगाए जा रहे थे गठबंधन होगा, फिर नानुकुर हुई, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत बंद हुई, उसके बाद फिर गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद युवा लड़के आते हैं, लड़कों का प्रचार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए जाते हैं, तमाम बयानबाजियां होती है, गदों को लेकर भी उन पर कटाक्ष किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ अब दिखाई दे रहा है तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति को चुना है, विकास के नाम पर वोट दिया है। मेरठ से संवाददाता पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरठ का भी हाल जानेंगे। पवन, मेरठ की बात करें तो मेरठ की सीटों के क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं? हेलो सर जी, मेरठ में 500 सीटों पर 7 में से 1 सीट पर केवल सपा आगे चल रही है, बाकी 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर हम बात करें तो मेरठ में क्या ऐसी जीत की उम्मीद थी बीजेपी को कि भाई 7 सीटें हैं, 7 में से आप 6 सीटें ले जाएंगे? जी जी, बीजेपी को काफी उम्मीद थी, 7 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 7 में से भी 1 सीट पर केवल सपा आगे चल रही है, बाकी 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। पवन, अगर हम देखें तो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है मेरठ का इलाका, काफी जनसंख्या है वहां पर मुस्लिमों की, निर्णायक साबित होते हैं कई जगह पर मुस्लिम, तो ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि मुस्लिम से इस बार बीजेपी को वोट किया है उस जगह? हेलो हेलो पवन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए पवन, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो मेरठ की 7 सीटों में से 6 सीटें इस वक्त आपके पास आ रही हैं, यानी कि बीजेपी के पास आ रही हैं। बीजेपी की जो जीत है वो पूरे तरीके से दिखाई दे रही है, जिस तरीके की उम्मीदें बीजेपी लगाकर बैठी थी, दावे किए जा रहे थे, एग्जिट पोल्स भी सामने आए थे। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 दिन वाराणसी में बिताए उसका भी इफेक्ट है, और मोदी ने कहीं कुछ नहीं किया, मोदी ने सिर्फ और सिर्फ काम की बात की, काम पर वार किया। उन्होंने ना किसी गधे का प्रचार किया, ना उन्होंने कभी किसी परिवारवाद की कलह पर बात की। साफ सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बताने की कोशिश की है कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म की राजनीति से परे रहकर काम करेगी, परे रहकर सरकार को चुनेगी। अब देखना यह होगा कि जिन क्राइम के ग्राफ्स की बात उत्तर प्रदेश में की जाती थी, उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता था और तमाम दल सरकार को घेरते थे, उनमें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या उन पर लगाम लगाई जाएगी, महिला अपराधों में किस तरीके की कमी आएगी, क्या उत्तर प्रदेश की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी। जिन उम्मीदों को लेकर उत्तर प्रदेश ने एक बहुमत की सरकार चुनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार चुनी है, वो उम्मीदें यूपी की जनता की पूरी हो पाएंगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी यूपी की जनता छली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए समाचार टुडे। कौन बनेगा सुल्तान?